नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक लिया है वो त्रिकोणमिति का है। और आप सभी को पता है त्रिकोणमिति के फॉर्मूले रटना बहुत ही कठिन होते हैं। तो आज बिल्कुल शॉर्ट और प्रश्न से अपन जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। और पेपर में जैसे ही अगर फॉर्मूले से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप देख के आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसलिए क्लास के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आप एक हेक्सागन बना लीजिए, ठीक है ना। इसकी षष्ठकोण इसकी छह भुजाएं हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे बना देता हूं, एक दो तीन चार पांच और ये हो गया छह, ठीक है। आप इन सबको आप आपस में मिला दीजिए, तो ये तो हो गई आपकी वन, ये हो गई आपकी टू और ये हो गई आपकी थ्री, ठीक है। और बीच में जो है, बीच में आप एक नंबर दे दीजिए इसको। क्या मैंने नंबर दे दिया इसका, एक मैंने नंबर दे दिया, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, आप नॉर्मल सी आपको एक चीज पता है कि टेन बराबर से क्या होता है। सभी को पता है कि जो टेन बराबर से होता है, टेन बराबर से क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सभी को पता है नहीं ये चीजें कि टेन बराबर से क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए बस। तो ये क्या हो गया आपका, अगर मैं इसको टेन थीटा मान लूं तो इसको मैं मान सकता हूं साइन थीटा, क्लियर है। इसको मैं मान लूंगा कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है आपको सभी को पता है क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और सेक यहां पे हो गया तो यहां पे क्या बचा, कॉसेक थीटा। कहने का मतलब ये है कि आप जितने सीसी वाले आ रहे हैं सब आप राइट हैंड पे रख लीजिए, बाकी जो टेन बीच में है तो ऊपर क्या बचा, ऊपर दो एस एस वाले बचे, एक साइन बचा तो एक सेक बचा, एक साइन बचा तो एक सेक बचा, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस है, तो बीच में क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। यहां तक की बातें आपको सभी को समझ में आई है। अब देखिए यहां पर, अब अपन इस हेक्सागन से इतने फॉर्मूले बना लेंगे कि आप भी बोलो क्या इससे इतने बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, और जो पेपर में आते हैं। देखिए कैसे, पहले क्या करिए आप, फर्स्ट टाइप का जो मैं बता रहा हूं, टाइप फर्स्ट में आपको क्या करना है, टाइप फर्स्ट में आपको चलना है क्लॉकवाइज, क्या चलना है आपको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब आपको इस टाइप से चलना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। जैसे मैं उठाता हूं टेन थीटा को, क्या उठाता हूं, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर से क्या होता है, अब आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पहले टेन के बाद क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या बन गया आपका, पहला फॉर्मूला बन गया, आपको क्लॉकवाइज चलते जाना। अब मैं उठाता हूं साइन को, ठीक है ना, अब मैं क्या लूंगा, अब यहां से साइन थीटा, क्लियर है, साइन थीटा, साइन थीटा लूंगा तो साइन थीटा के बाद क्या आ रहा है यहां पे, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अपने टेन भी ले लिया आपने, साइन भी ले लिया, अब मैं क्या उठाऊं, कॉस उठाता हूं, तो कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या है, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, आया बात समझ में। आपने कॉस उठा लिया, अब क्या उठाओगे आप, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर से क्या लोगे आप, यहां पे क्या बचा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या बचा आपका, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर से यहां पे क्या बचा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और एक क्या बचा आपका, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर से क्या होगा, टेन थीटा अपॉन, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो पूरे मान बन गए कि नहीं, कितने बन गए, वन टू थ्री,
फोर फाइव सिक्स, तो कितने फॉर्मूले बन गए यहां से, सिक्स फॉर्मूले बन गए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या माना, टेन थीटा, और टेन थीटा की सभी को वैल्यू पता होती, क्या होती, साइन अपॉन कोस होती, तो टेन के बाद क्या है साइन, तो आपने साइन रखा, उसके बटे में कितना रखा, कोस रखा, तो ये टेन थीटा की वैल्यू हुई। अब आपको साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो साइन थीटा के बाद अब क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा अपॉन क्या है, कॉट थीटा, तो ये वाली वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब आपने कॉस थीटा लिया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब कॉस हो गया, अब आपको लेना है कॉट, तो कॉट के बाद क्या है, कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, आप कोसेक थीटा लेंगे, तो कोसेक के लिए क्या है, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा के लिए क्या लेंगे, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब आप क्लॉक वाइज चलते हुए एक को अगर बेस मानते हैं, तो अगली दो भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाएगा, रेशो में आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्या सिक्स आइडेंटिटी यहां से निकाल ली। ठीक है, निश्चित समझ में आया होगा, सबसे पहले मैंने टेन रखा, फिर साइन रखा, फिर कॉस रखा, फिर कॉट रखा, फिर कोसेक रखा, फिर सेक रखा, और फिर टेन रखा। क्लियर है, क्योंकि आप सभी को पता है टेन और साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहां तक क्लियर हो गए कि नहीं, तो निश्चित है आपको ये सिक्स फॉर्मूले याद हो गए। मतलब अगर आप एक हेक्सा बनवा के अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो आप कम से कम 30 से 40 फॉर्मूले वैसे ही याद कर लेंगे। अब ठीक है, ये हो गया क्लॉक वाइज, यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए मैं नेक्स्ट टाइप का बताता हूँ आपको, निश्चित है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये, आप इसको अप्लाई करिए, आपके कोई भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के नहीं छूटने वाले, गारंटी। अभी आपने क्या किया था, क्लॉकवाइज घुमाया था, अब आप क्या करेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। थोड़ी सी राइटिंग देख लेंगे, राइटिंग थोड़ी सी खराब है मेरी। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज, अब आपको पता है टेन थीटा, अगर आप टेन थीटा को मान रहे हैं, यहां देखिए, तो टेन थीटा बराबर से क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। अभी तक आपने क्या सीखे हो, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर पेपर में उसने बोल दिया कि सेक थीटा अपॉन, सॉरी, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ के थोड़ी आएंगे पेपर में। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब इसको हल करूंगा तो बराबर ये टेन थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप इस टाइप से ना पूछ के आपको टेन थीटा का मान दे सकता, चार ऑप्शन दे दिए और चौथा ऑप्शन दिया, और ये वाला ऑप्शन ही नहीं है पेपर में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या आप छोड़ के आएंगे, नहीं आएंगे। तो फिर आपके दिमाग में एक हेक्सागन आना चाहिए कि हाँ भैया ने ऐसा बोला था कि इसको पीछे से भी अपन कर सकते हैं। क्लियर है, तो क्या बन गया, टेन थीटा बराबर से सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, एक वैल्यू बन गई। अब मैं कह लेता हूं यहां से सेक थीटा, आज जब मैंने sec थीटा ली लिया, तो यहां पर क्या बचा, cosec थीटा अपॉन cot थीटा। क्लियर है यहां तक, अब मैंने sec ले लिया, अब मैं क्या लूंगा यहां से cosec थीटा, और cosec थीटा लूंगा तो ये क्या बचेगा, cot थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है, यहां तक आया समझ में, ये तीन हो गए। अपन ने क्या tan ले लिया, sec ले लिया, cosec ले लिया, टेन ले लिया, सेक ले लिया, कोसेक ले लिया, अब मैं कह लूंगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, ये क्या बचा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने यही पढ़ा है ना कि कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे सिद्ध हो गया कि नहीं, इसलिए यहां पे ये सिद्ध हो गया। मतलब ये फॉर्मूले भी क्या है, पूरे सही फॉर्मूले है, कोई भी गलत फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब ये बन गया कॉट ले लिया, अब मैं क्या ले लेता हूं, कॉस थीटा, कॉस थीटा लूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। क्लियर है, और लास्ट बचा, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। आई कि नहीं बात समझ में, जब मैंने क्लॉकवाइज लिए तो वहां से सिक्स फॉर्मूले बने, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिए तो वहां से सिक्स फॉर्मूले बने, तो छह और छह कितना हो गया आपके, 12 फॉर्मूले हो गए। अगर आप इसको रटना चालू करेंगे तो आप दो या तीन ही रट पाएंगे, बाकी आप नौ भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में हेक्सागन या षटकोण आ गया, तो आप इतने फॉर्मूले बना देंगे कि सामने वाला खुद बहरा जाएगा कि आपने ये कैसे सीखे। ठीक है ना, तो बात समझ में आई,
क्योंकि आपको याद कैसे है, ठीक है ना। जो मेमोरी बूस्टर लोग होते हैं वो यही करते हैं, इस चीज को दिमाग क्लॉक वाइज बता दिया, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, चल आ जाओ। अच्छा आप इसको इससे मिलाइए, अगर मैं साइन को ये एक से क्रॉस करता हूं तो कहां पे जाता हूं, कोसेक पे। सेक से मैं अगर जाता हूं तो कोस थीटा पे, और टेन से जाता हूं तो कॉट थीटा पे, ठीक है। तो यहां से भी देखो आप फॉर्मूले कैसे बनते हैं। मैं अगर लिख लूं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से वन होता है, यहां पर रटा होगा आपने पढ़ा होगा, लेकिन देखो यहां बना दिया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से क्या हो गया, वन। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा वाला देखिए, अगर मैं टेन थीटा पूछता हूं, आपको पता है टेन थीटा इंटू टेन के सामने क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, वन, ठीक है। अब यहां पे कॉस थीटा, तीसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर से यहां पर भी कितना हो गया, वन। तो यहां से भी तीन फॉर्मूले निकले कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर से वन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर से वन, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर से वन। अगर मैं इनको पलट के भी लिखूंगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, फिर तीन बन जाएंगे, तो तीन और तीन कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, क्रॉस किया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर से वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर से वन, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर से वन। तो यहां तक भी आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। तो यहां से भी आपने ये पढ़े होंगे ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से वन होता है, तो यहां से आपको तीन फॉर्मूले और मिल गए। देखो रट्टे मारे क्या, नहीं अपन ने सीधा क्रॉस कर दिया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर से वन, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर से वन, टेन थीटा इंटू कोटेक थीटा बराबर से वन, ठीक है, क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। तो यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। आप ऐसे ही, अच्छा साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा होता है ना। तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, पहला कि साइन थीटा बराबर से वन अपॉन कोसेक थीटा, देखो जब मैं इसमें से गुणा करूंगा तो फिर से वन बन जाएगा कि नहीं, बन गया। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही यहां पर जब अब मैं कोसेक थीटा का लूंगा, जब मैं कोसेक थीटा का लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई, यहां से बन गया। ऐसे सेक थीटा का लेता हूं मैं, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसे ही कॉस थीटा का लूंगा मैं, कॉस थीटा का लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सेक थीटा, क्लियर है, आया बात समझ में, यहां से बन गए। आ जाओ आप अब टेन का देख लो, टेन थीटा बराबर से क्या होता, वन अपॉन कॉट थीटा, क्लियर है। और ऐसे ही अगर मैं कॉट थीटा कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा, निश्चित से समझ में आया। पहले मैंने क्या बताया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से वन, सेक थीटा इंटू कोसेक कोस थीटा बराबर से वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर से वन, यह हो गया। अब मैंने दूसरी चीज क्या बताई, वहां से तीन निकाल ली, तीन और तीन छह हो गए, मतलब छह तीन अठारह अपने फॉर्मूले हो गए। अब यहां से देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, वन अपॉन कोसेक थीटा, वन अपॉन कोसेक थीटा, वन अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा को वन अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन टेन थीटा। तो यहां से भी आपके सिक्स फॉर्मूले हो गए कि नहीं, तो यहां से आपके 24 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, और बिना आपको याद करे हुए, केवल आपके दिमाग में क्या है, हेक्सागन, क्लियर है। तो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट टाइप फिर कैसे फॉर्मूले बनाते हैं इसके, ठीक है। देखिए अब अच्छा यहां तक हो गया, एक एंटी क्लॉक वाइज हो गया, एक क्लॉक वाइज हो गया, एक क्रॉस वाला हो गया। अब देखिए मैं सीधे सीधे चलता हूं, मैं साइन से सीधे कहां पे जाता हूं, साइन से कहां पे जा रहा हूं, कॉस पे। ऐसे ही मैं टेन से किस पे जा रहा हूं, टेन पे जा रहा हूं मैं कॉट पे, और ऐसे ही मैं सेक पे जा रहा हूं, सेक पे जा रहा हूं, काय पे जा रहा हूं, कोसेक पे। मुझे बताओ जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा का
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि नहीं, पूरक कोण होता है? होता है। साइन थीटा जो है कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब पूरक कोण होता है, और पूरक कोण के दोनों योगों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है? जो पूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो आपस में कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और समपूरक का 180 डिग्री होता है, और पूरक कोण का कितना होता है? 1 + a + b बराबर कितने? 90 डिग्री। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर से मैं 90 डिग्री लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं कि साइन थीटा बराबर से कॉस 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है क्या? तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं? ये देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं इसको पक्षांतर करूंगा तो यहाँ पे ये थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा? कॉस थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? यहां से दो बन गए। ऐसे ही मैं टेन थीटा से लेके जाता हूं, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताइए आप? टेन थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉट कॉट थीटा और 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा फोर्थ नंबर पे? कॉट थीटा बराबर से टेन 90 माइनस थीटा। यहां तक समझ में आया? ऐसे ही साइन का बन गया, टेन का बन गया, साइन का बन गया, टेन का बन गया। अब मैं क्या बना देता हूं? अब किसका बचा? साइन का हो गया, टेन का हो गया, अब सेक का बना देता हूं। तो सेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर से क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ये हो गया। अब इसका अपोजिट बना दूंगा तो सिक्स नंबर पे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर से सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो यहां से भी आपने कितने फॉर्मूले निकाल लिए? सिक्स निकाल लिए। साइन थीटा का अगर मैं अपोजिट निकालूंगा तो क्या होगा? कोस 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसका। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस का क्या होता है? साइन होता है। टेन का क्या होता है? कोट होता है। कोट का क्या होता है? टेन होता है। सेक का क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक का क्या होता है? सेक होता है। तो निश्चित है यहां से भी आपने कितने फॉर्मूले निकाल लिए, यहां से भी आपने 6 फॉर्मूले निकाल लिए। निश्चित है यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर स्पीड अगर आपको तेज लग रही है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं स्लो करके। ठीक है, निश्चित ही ये चीजें आपको समझ में आई है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कलर कर देता हूं। यहां से ये वाला पार्ट मैंने कलर किया, एक ये वाला मैंने पार्ट कलर किया। सॉरी, पेन की निब खत्म हो गई है, फिर मैंने इसको किया पार्ट को। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, मैंने इस पार्ट को राइट किया। ठीक है, आप नई आइडेंटिटी सीखते हैं। मैंने क्या किया? इस पोर्शन को ब्लैक किया, इस पोर्शन को ब्लैक किया, और इस पोर्शन को ब्लैक किया। ठीक है ना? और अब मैं क्या कर रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। इस पोर्शन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। इसको मैंने बेस माना है कितना? 1 को। ठीक है ना? इसको बेस मैं 1 मान के चल रहा हूं। ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं? पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो अगर मैंने 1 रखा, ठीक है ना, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस अगर मैं कॉस, अब आप क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अरे आपने सीखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 होता है कि नहीं? होता है। अरे क्लियर है? तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है? प्लस है, लेकिन अब अपन क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको यहां पे क्या रखना है? प्लस। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको क्या रखना है? यहां पर
माइनस। क्लियर है बात समझ में आई? ठीक है, अब आप एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं कि 1 cos² θ बराबर से sin²θ। यहाँ तक क्लियर बात समझ में आई है? ये वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीट। ठीक है, अब जैसे मैं इस वाले पोर्शन को लेता हूँ, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, तो मैं एंटी क्लॉक वाइज ऐसे घूम रहा हूं, तो यहाँ पर क्या है 1, फिर 1 cos²θ बराबर से क्या हो जाएगा आपका 1 cos²θ बराबर से क्या हो जाएगा cot²θ। तो यहां से भी एक आइडेंटिटी बन गई कि नहीं, आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से उधर लेके जाओगे कहां में जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो sin²θ प्लस cos²θ बराबर से 1 होता है। आप इसको उधर लेके चले जाएंगे तो cot²θ प्लस cos²θ बराबर से 1 होता है। तो यहां से एक इससे बना लिया आपने, ठीक है, एक आपने इससे बना लिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला, यहां से अब मैं इसको बेस को मानता हूं 1, अगर मैंने इसको 1 माना तो मैं क्या कर रहा हूँ उल्टी घड़ी घुमा रहा हूँ, 1 अगर इसको मान रहा हूँ तो मैं इसको उल्टी घड़ी घुमा रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि अगर मैंने 1 लिखा और 1 का क्या करूंगा मैं sin²θ बराबर से, 1 का sin²θ बराबर से क्या लिख सकता हूँ, अच्छा ये वाला तो हो गया ना अपना, सॉरी ये वाला हो गया, ये वाला देखो यहां से मैं tan के पास आ रहा हूँ, तो 1 tan²θ tan²θ बराबर से क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से θ लिख सकता हूँ कि नहीं। क्लियर है? पहले मैंने क्या माना, ये बेस माना 1 1 cos²θ 1 cos²θ बराबर से 1 cos²θ बराबर से cot²θ 1 cos²θ बराबर से cot²θ। ऐसे ही अगर मैं cos को मानता हूँ तो मैंने बेस क्या माना था 1 1 cos²θ बराबर से क्या हो गया sin²θ। यहाँ से ये वाली फॉर्मूला बन गया। ऐसे मैं इसको मानता हूँ कि 1 1 minus tan²θ बराबर से क्या हो जाएगा आपका sec²θ। यहां से आपको ये माइनस वाली आइडेंटिटी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अगर आप इसको अब क्या करो, इसको आप क्लॉक वाइज घुमाओ। क्लॉक वाइज कैसे घुमाओगे, ऐसा क्लॉक वाइज, ये आपने क्लॉक वाइज घुमाया, ठीक है, ये आपने क्लॉक वाइज घुमाया, ठीक है, तो यहां से चालू होते हैं। देखो अब मैं ऐसा घुमा रहा हूँ क्लॉक वाइज, यहां से क्लॉक वाइज घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या sin²θ प्लस cos²θ बराबर से बन आया कि नहीं, sin²θ प्लस cos²θ बराबर से बन आया, ठीक है। ऐसे मैं यहां से घुमाता हूं तो 1 1 cot²θ बराबर से क्या हो जाएगा cos²θ। क्लियर है? ऐसे ही मैं यहां से घुमाता हूं तो 1 1 sec²θ बराबर से क्या हो जाएगा tan²θ। क्लियर है बात समझ में? देखिए sin²θ प्लस cos²θ बराबर से 1 है, तो यहां देखिए अगर मैं साइन का पक्षांतर कर दूं और एक को यहां लिया हूं तो क्या हो जाएगा 1 cos²θ sin²θ हो जाएगा। यहां से देखिए ऐसे ही 1 cot²θ बराबर cosec²θ है, अगर मैं cot²θ को यहीं रहने दूं तो ये पक्षांतर चला जाएगा, तो ये माइनस में चला जाएगा कि नहीं, तो 1 cos²θ हो जाएगा। ऐसे 1 sec²θ और tan²θ है, तो क्या करूं मैं 1 को उधर लेके चले जाऊं या tan को उधर लेके चले जाऊं तो ये उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 sec²θ बराबर से tan²θ। ठीक है, तो एक हेक्सागन से आपने कितने फॉर्मूला रट लिए हैं आपको खुद नहीं पता। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।